सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग एंड स्वागत है आप सभी का GTA 5 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। एंड गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अपने पीछे ना ब्रांड न्यू फरारी FXX पड़ा हुआ है, जो कि यार माइकल ने दुबई से इम्पोर्ट करवाया, वो भी $5 मिलियन में। एंड यार लिटरली माइकल का मन ना काफी टाइम से था यार माउंट चिलियर्ड के टूर पर जाना, बट यार माइकल के पास ना एक भी सुपर कार्ड तो छोड़ो यार, एक भी नॉर्मल कार्ड भी नहीं था। इसलिए माइकल ने इस वाले कार्ड को फाइनली दुबई से इम्पोर्ट करवाया। एंड इसका जो प्राइस है वो लिटरली $5 मिलियन, जो कि यार काफी ज्यादा है। तो गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो में फाइनली हम लोग अपने ब्रांड न्यू फरारी FXX को लेके जाने वाले हैं माउंट चिलियर्ड के टॉप पर। एंड चेक करने वाले हैं कि ये जो अपना फरारी FXX है वो माउंट चिलियर्ड के टॉप पर जा पाता है कि नहीं जा पाता है। यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार जो भी लोग नए हैं ना, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। बाकी हाँ, अभी ना हम लोग इस वाले टूर पे ना गाइस, माइकल अकेले इस वाले टूर पर नहीं जा रहा है, क्योंकि गाइस देखो माइकल ना अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकलिन को भी इस वाले टूर पर लेके जाना चाहता है, यानी कि माउंट चिलियर्ड के टॉप पर लेके जाना चाहता है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, चलते हैं अभी फटाफट से फ्रैंकलिन के घर। एंड वहां से हम लोग फटाफट से ना फ्रैंकलिन को लेंगे, एंड वहां से हम लोग जाने वाले हैं माउंट चिलियर्ड के टूर पर, जो कि यार काफी ज्यादा डेंजर भी होने वाला है। क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपना जो माउंट चिलियर्ड का जो रास्ता है ना, वो यार बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग है। फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अभी फ्रैंकलिन के घर, एंड वहां से हम लोग ना फ्रैंकलिन को उठाते हैं एंड चलते हैं फटाफट से माउंट चिलियर्ड के टॉप पर। बाकी इस वाले कार का जो फाइनल लुक है वो तो फिलहाल के लिए येलो कलर हम लोगों ने करवाया था बैनी के गैराज में। अगर किसी बंदे को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी इस वाले कार का भी ना हम लोग कलर को चेंज कर देंगे। बाकी यार लिटरली इस वाले कार का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा है। ये देखो आप लोग, मतलब थोड़ा सा भी अगर हम लोग बूस्ट देते हैं ना, तो भाई लिटरली 150 के पार चला जाता है ये वाला कार, जो कि यार काफी ज्यादा डेंजर भी है। और फटाफट से हम लोग ना फ्रैंकलिन के घर पहुंचने ही वाले हैं गाइस, ये देखो आप लोग। बाकी हाँ, अभी जो है दिन का टाइम हो चुका है। बाकी हाँ, देखते हैं कि अभी फ्रैंकलिन जो है वो अपने घर पर बंदा है कि नहीं है, ये भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। A few minutes later. Okay, तो गाइस यार लिटरली फ्रैंकलिन के घर हम लोग गए, लेकिन यार बंदा ना वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। बट कोई बात नहीं यार, फ्रैंकलिन को हम लोग ना नेक्स्ट वाले ट्रिप पे लेके जाएंगे, जब माइकल कोई दूसरा गाड़ी को इंडिया से इम्पोर्ट करवाएगा। तो फिलहाल के लिए माइकल इस वाले टूर पे बंदा अकेले ही जा रहा है। एंड देखते हैं गाइस अकेले ना लिटरली बंदा को क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये तो फिलहाल के लिए वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। गाइस अभी ना हम लोग यार लिटरली काफी अच्छे रोड में इस वाले कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो यार लिटरली वो ड्राइव भी हो रहा है। बट यार क्या होगा जब इस वाली कार को ना हम लोग यार माउंट चिलियर्ड के टॉप पर लेके जाएंगे, तो यार पता नहीं ये कार वहां पर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये तो फिलहाल के लिए पता नहीं। तो फटाफट से ना अपने कार का स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, चलते हैं फटाफट से माउंट चिलियर्ड। बाकी यार कार आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अभी ना लिटरली गाइस हम लोग ना लॉस एंटो सिटी से अभी बाहर निकले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फाइनली अभी जो माउंटेन वाला एरिया है वो यार देखो आप लोग नजर आ रहा है हम लोगों को, तो यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोगों को लेफ्ट। और भाई साहब लिटरली अभी ना हम लोग जैसे जैसे अरे यार ठोक दिया बंदा। तो देखो यार फिर फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और लिटरली यहाँ पर ना भाई साहब देख सकते हो कि अपना जो माउंटेन वाला एरिया ना वो फिलहाल के लिए स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर ना वन वे है। तो यार काफी ज्यादा हम लोगों को संभल के भी अपनी कार को चलाना पड़ेगा। बाकी हाँ, अभी अपने कार का जो स्पीड है ना गाइस वो लिटरली मतलब 100 से ऊपर है, देख रहे हो आप लोग, पता भी नहीं चल रहा कि हमारा जो कार का स्पीड है वो लिटरली 100+ है भाई साहब, देख रहे हो आप लोग, फरारी FXX है। बाकी हाँ, इसमें कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हम लोगों को कराना पड़ेगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि इस वाले कलर को ना हम लोग चेंज करें, ओ भाई साहब चेंज करें, तो आप लोग ना कमेंट करके जरूर से बताना किस वाले कार को ना हम लोग कौन से कलर में चेंज कर सकते हैं। बाकी अभी जो फिलहाल के लिए रोड जो है वो लिटरली काफी ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक क्या काफी ज्यादा ठीक है। बट यार अभी ना हम लोग यार लिटरली ऑफ रोडिंग में क्या होगा इस वाले कार का ये तो फिलहाल के लिए पता नहीं। तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो अपने इस कार का स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। एंड गाइस एक काम करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि यार ये जो अपना जो फरारी FXX है ना वो ऑफ मतलब 200 पार हो पाता है कि नहीं हो पाता, रुको देखते हैं हम लोग। ओके एंड यार एक बार ना आप लोग ऑडोमीटर पे आप लोग ना एक बार नजर एक बार आप लोग चेक करना कि यार लिटरली 200+ हो गया था अभी, ये देखो आप लोग। ओए हेलो भाई क्या कर रहा है तू, ये देखो आप लोग लिटरली गाइस 215 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम लोग ने क्रॉस कर लिया था यहाँ पर, जो कि यार काफी ज्यादा मस्त था। बाकी हाँ बहुत ज्यादा डेंजर भी था। तो फिलहाल के लिए यहाँ से ना अपना जो ऑफ रोडिंग है वो यार स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से ना देखते हैं कि अभी हम लोगों को वो देखो गाइस वो रहा अपना माउंट चिलियर्ड का टॉप, जो कि यार लिटरली यहाँ से ना दिखने में तो काफी ज्यादा नजदीक है, बट यार इतना ज्यादा नजदीक फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो इनको भी फटाफट से हम लोग चलते हैं फटाफट से एंड देखते हैं कि अभी तक हम लोग का जो टॉप स्पीड है वो तो 215 है, बट यहाँ पर कितना ज्यादा होने वाला है।
आई थिंक यार यहाँ पर ना वो 60-65 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड यार सही है, बाकी थोड़ा बहुत ठुक चुका है तो इनको हम लोग रैन देते हैं। बाकी देखते हैं कि गाइस अभी ओ भाई साहब 140 किलोमीटर पर आवर के भी स्पीड क्रॉस कर चुका था ये वाला कार। और यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे यहाँ पर अपनी कार को थोड़ा बहुत खड़ा करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बंदे लोग क्या कर रहे हैं। ओके आई थिंक यार यहाँ पर ना बंदे लोग पिकनिक का मजा ले रहे हैं भाई साहब। ये देखो आप लोग यहाँ पर ना कैंपिंग वैंपिंग भी लगा हुआ और दो चार बंदा यहाँ पर देखो यार लिटरली यहाँ पर दो चार बंदा ना गपशप कर रहे हैं, बाकी कुछ बंदे आगे फिशिंग भी कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर बोट वोट भी है तो यार काफ़ी मस्त नज़ारा यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आग वाग भी है। और ये दोनों बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ हेलो भाई, अबे ये क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है क्या? ओए ये तो गुस्सा हो गया भाई साहब। अरे हम लोग यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आए हैं। और बाकी हाँ यहाँ पे दो तीन कैंप के लोग भी है तो शायद से यहाँ पर कैंपिंग करने आए होंगे। बाकी इनको हम लोग ऐसे ओए पुलिस की गाड़ी आ रही है क्या? अबे यार वो देखो आप लोग, बाकी यार यहाँ से हम लोग फटाफट से निकलते हैं, अगर यहाँ पर कोई पंगा हो गया ना तो लिटरली पुलिस जो है वो हम लोगों को भी पकड़ सकता है, तो फटाफट से यार माइकल को कोई पंगा नहीं चाहिए। तो ये देखो भाई साहब लिटरली गाइस ये वाला जो कार है ना भाई वो माइकल का सबसे ज़्यादा फेवरेट कार है फेरारी FXX। बाकी ये कार माउंट चिलियर्ड के टॉप पर जा पाता है कि नहीं जा पाता ये तो फिलहाल देखना बाकी है। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यार अपना जो माउंटेन वाला एरिया है ना उस पर अपना फेरारी FXX चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता। बाकी इधर से हम लोग लेते हैं यार, जहाँ तक देखना पड़ेगा कि अभी ना हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे एनिमल भी रोड के सामने आ सकते हैं तो उनको भी हम लोगों को यार लिटरली काफ़ी बच बच के चलना पड़ेगा। बाकी इधर से हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट के बाद ओके आराम से गाइस। भाई $5 मिलियन का कार है भाई साहब, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी स्क्रैच भी पड़ता है ना लिटरली बहुत ही तगड़ा खर्चा होने वाला है, तो यार काफ़ी ज़्यादा संभल के भी चलाना पड़ेगा। ये देखो आप लोग जानवर जो है वो अपने रोड के बीच में आ रहे हैं, तो यार हम लोग ना इस वाले किसी भी जानवर को ऐसे मार नहीं सकते तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बच के भी जाना पड़ेगा। और भाई साहब लिटरली अपना जो चढ़ाई है ना वो स्टार्ट हो चुका, और यहाँ से आप लोग माउंट चिलियर्ड का टॉप देखो वो तो यार इधर है, वो देखो उधर है, एंड लॉस सैंटोस सिटी ना लिटरली यहाँ पर ना दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो देखो आप लोग दो चार टावर वावर नज़र आ रहा होगा वहाँ पर, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा दूर है ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। भाई साहब लिटरली ये वाला जो टनल है ना इस पर आप लोग स्पीड चेक करो आप लोग, भाई साहब ये देखो 200 तो आई थिंक यार पार नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा डेंजर है यहाँ पर पार करना, बाकी आराम आराम से चलाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर दो बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओ हेलो भाई लिटरली यहाँ पर स्मोकिंग, अबे ये क्या कर रहा तेरी भैंस की, अबे यार लिटरली ये दोनों बंदा सिगरेट पी रहा था यहाँ पर, जो कि यार लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार है ठीक है। तो इनको हम लोग इसका बैंड तो बजाना पड़ेगा ना गाइस। ये देखो आप लोग लिटरली इन दोनों के हाथ में सिगरेट था, बाकी शायद से इन दोनों का वैन वैन कुछ ख़राब हो गया होगा शायद से, और ये दोनों बेफालतू का यहाँ पर बंदा पिट चुका है माइकल से, क्योंकि यार लिटरली ये बंदा ना यहाँ पर सिगरेट पी रहा था भाई साहब। जो फाइनली यहाँ से चढ़ाई है ना गाइस वो लिटरली स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभल के जाना पड़ेगा। वो देखो आप लोग माउंट चिलियर्ड का टॉप, और यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर हम लोग गलत एक्सेलरेशन दे देते ना कार पर तो लिटरली अपना जो कार है ना वो यार बहुत ही ज़्यादा बेकार डैमेज हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा। बाकी अपना जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुका है, और माइकल देखता है कि यार ये वाला जो अपना फेरारी FXX है ना ये लिटरली माउंट चिलियर्ड के टॉप पर चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता। बाकी यहाँ पे एक बंदे कैंपिंग कर रहे हैं, हेलो जी आंटी गुड मॉर्निंग, तो आप इस कार पे बैठ सकते हो, और ये आंटी लिटरली सेल्फी ले रही है क्या, फोटो खींच रही है शायद से। ओ हेलो आंटी बैठ सकते हो आप अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि एक सीट अपना खाली है, बंदा फ्रैंकलिन तो आया ही नहीं अपने कार पे, बाकी एक सीट खाली है तो आंटी बैठ सकती थी, बट कोई बात नहीं। तो फटाफट से हम लोग इधर से चलते एंड रुको भाई साहब लिटरली गाइस काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा हम लोगों को भाई साहब, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना पता नहीं यार अपना जो फेरारी FXX है ना वो कहाँ पर जाके गिरेगा, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा। ओके और लिटरली वो देखो आप लोग वो रहा अपना माउंट चिलियर्ड का टॉप, तो वहाँ पर हम लोग फटाफट से चलाते हैं और देखते हैं कि यार ये कार जो अपना वो चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता। बाकी हाँ इस वाले कार में तो लिटरली गाइस बूस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभल के भी चलाना पड़ेगा। बाकी लॉस सैंटोस सिटी तो अपना यहाँ पर कहीं पे लिटरली दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ये देखो आप लोग ओ ब्रेक मारना पड़ेगा, ये देखो भाई साहब लिटरली मतलब जहाँ जहाँ हम लोगों का नज़र पड़ रहा है ना तो गाइस वहाँ वहाँ ना हम लोगों को लिटरली सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है ठीक है। तो और आराम से अरे यार यहाँ पर फंस चुका अपना फेरारी, थोड़ा बूस्ट देना पड़ेगा यार लिटरली, बूस्ट से भी काम नहीं होने वाला है, रुको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। बाकी हाँ यहाँ से उठाते अपने कार को, हम देखते हैं यहाँ पर बूस्ट काम करता है कि नहीं करता। ओके तो फिलहाल के लिए यहाँ पर लिटरली बूस्ट जो है वो काम कर चुका, बट अरे यार लिटरली गाइस इस वाले एरिया में ना यार हर कार ना वो फंस जाता है यार, सुपर कार हो या ऑफ रोडिंग कार हो पता नहीं क्यों,
क्योंकि यहाँ का जो रास्ता लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये देखो आप लोग, रुको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जा पाएगा। ठीक है जी, ओके 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 ओके, आराम से ओके ओके, ठीक है यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं। बाकी आगे का रास्ता लिटरली इससे भी ज़्यादा डेंजर होने वाला है, और थोड़ा बहुत अपना जो फरारी है ना उसको यार डैमेज पहुँच चुका, बट कोई बात नहीं, इनको भी हम लोग बैनी के गैराज में यार सही सलामत करवा देंगे। बाकी यहाँ पर एक दो एनिमल नज़र आ रहे हैं, उसको भी हम लोग, भाई हेलो, अरे चला जा भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है तू, ओके ओके ओके, अरे आराम से यार, लिटरली गाइस आराम आराम से जाना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना लिटरली भाई साहब हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे भाई। ओके, और ये देखो अपना जो टॉप है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी आ रहा है, तो ये देखो भाई साहब यहाँ से अपना जो लॉस एंड टॉस है ना वो तो यार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी हाँ, अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है अभी। ओके 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 ओके, आराम से भाई साहब, ओके। बाकी यहाँ पर अपना जो स्पीड है ना वो तो हम लोगों को नॉर्मल ही रखना पड़ेगा, कि यार यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना भाई लिटरली माइकल का जान जाने वाला है यहाँ से। और मेन जो एंट्री है वो स्टार्ट हो चुका, ओ वो रहा अपना माउंट चिलियर का टॉप। गाइस अभी भी यार थोड़ा सा दूर है, और ये वाला जो रास्ता है ना वो यार काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, तो अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा भाई साहब। ओके ओके ओके, और लिटरली ये रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, अगर यहाँ से अपना फरारी FXX गिरता है ना तो लिटरली वो देखो आप लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो यार माइकल तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अपने फरारी FXX को कोई भी नुकसान हो, ठीक है, क्योंकि यार लिटरली इसका जो प्राइस है ना वो यार $5 मिलियन है भाई साहब। ओके ओके, और भाई साहब लिटरली काफ़ी ज़्यादा आराम से चलाना पड़ेगा गाइस, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो लिटरली, अगर थोड़ा सा भी बूस्ट अगर हम लोग ज़्यादा दे देते हैं ना तो यार पता नहीं अपना जो अबे ये शायद से गलत आ गए क्या हम लोग, नहीं सही है, ये रहा अपना टॉप। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को संभाल के चलाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मिस्टेक होता है ना तो पता नहीं क्या होगा। ओके ओके ओके, चढ़ जा भाई, ओके ओके ओके। तो फाइनली गाइस हमारा जो फरारी FXX है वो माउंट चिलियर के टॉप पर जा चुका है, और यहाँ पर एक दो बाइक्स नज़र आ रहा है, आई थिंक यार यहाँ पर कोई बाइकर भी आए हैं क्या, पता नहीं है, और यहाँ पर कोई बंदा तो हम लोगों को दिख नहीं रहा। ओ वो रहा दो बंदा जो यार पता नहीं क्या दिख रहा है, एक काम करते हैं उनको चेक करते हैं कि भाई साहब लिटरली ये बंदा क्या चेक कर रहा है। ओके, तो यार से यार फोटोग्राफी कर रहा, ओ हेलो भाई ये क्या कर रहा है। और गाइस ये देखो अपना जो लॉस सैंटोस सिटी है ना भाई लिटरली वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ये देखो आप लोग यहाँ से ना हम लोग लॉस सैंटोस सिटी देखने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से अपना वो देखो गाइस वो रहा अपना बिल्डिंग्स जो यार गाइस वो रहा अपना लॉस सैंटोस सिटी, ये देखो यार वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग्स पुल है ब्रिजेस है वो नज़र आ रहा है, बट यार लिटरली काफ़ी ज़्यादा हम लोग दूर आ चुके हैं अपने लॉस सैंटोस सिटी से, मतलब थोड़ा सा हम लोगों को बिल्डिंग तो नज़र आ रहा है, बाकी पर दो बाइक है पता नहीं किसने रखा। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड गाइस अगर आप पसंद आया ना तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, एंड चैनल पर नए होना तो वो जो आप लोगों को लाल वाला बटन दिख रहा है ना जो YouTube ने सफेद कर दिया उसको फटाफट से आप लोग दबा देना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain...